नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूं, जिसको आप देखिए और देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। और दूसरी बात ये कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम आपके समक्ष लेकर आएँ यूट्यूब के अपलोड करें तो आप तक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए और आप उसे देखने से किसी भी कीमत पे रुक ना पाएँ। तो इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं सुझाव के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, शुरू करता हूं इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्कूल एंट्रेंस हो, या उसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी मतलब एनडीए हो, सीडीएस हो, और भी कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सीएपीएफ होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इन सब में इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। और इनमें से एक भी अगर कुछ जो मैंने पढ़ाया है आ गया तो आपका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा, आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा, 3 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स, क्योंकि कॉम्पिटिशन में 1 मार्क्स से भी कोई रह जाता है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 0.5 से भी कोई रह जाता है, 0.25 से भी रह जाता है। तो आप जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन के लिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर मतलब टू गो बैक टू द बिगनिंग, अ पॉपुलर सेइंग दैट सजेस्ट अ पर्सन हैज टू स्टार्ट ओवर। टू गो बैक टू द बिगनिंग, बैक टू द स्क्वायर वन मतलब शुरू से करना। जैसे आपने बीच में कुछ ड्रॉप कर दिया, जैसे कोई काम शुरू किया आपने, मान लीजिए पढ़ना शुरू किया आपने और किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, और फिर आपके बीच में तबीयत खराब हो गई, तो उसकी वजह से पढ़ाई व्यर्थ हो गया और आपका 1 साल बर्बाद हो गया। तो नाउ यू हैव टू बैक टू द स्क्वायर वन, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई टू गो टू द बिगनिंग, अ पॉपुलर सेइंग दैट सजेस्ट अ पर्सन हैज टू स्टार्ट ओवर। टू गो टू द बिगनिंग, किस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले भी बैक टू द स्क्वायर वन। अब है बीटिंग अ डेड हॉर्स। बीटिंग द डेड हॉर्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी मरे हुए घोड़े को क्या मारेंगे आप, कोई फायदा है? तो दैट इज यूजलेस। सिंपली मैं बोल देता हूँ कि इट इज़ यूजलेस। ऑल राइट, सो समथिंग दैट इज सीन एज फेलियर, अ पॉपुलर सेइंग यूज टू डिस्क्राइब हाउ ब्रिंगिंग अप ओल्डर इशूज दैट हैव ऑलरेडी बीन रिजॉल्व इन इज पॉइंटलेस। तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, बिल्कुल आप देख के, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं और सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश सेंटेंस से करते हैं कि बीटिंग द डेड हॉर्स। लाइकवाइज टू पास द यूपीएससी इफ यू आर नॉट स्टडिंग द गुड मटेरियल और पर्टिकुलर मटेरियल, तो यू आर बीटिंग द डेड हॉर्स, वो कोई काम का है ही नहीं, दैट इज़ फ्यूटाइल, दैट इज़ यूजलेस। सो बी टू द पॉइंट, जिंदगी में सख्त रहना और टू द पॉइंट रहना बहुत ज़रूरी है। दैट इज यू डोंट हैव टू बीट अ डेड हॉर्स, डोंट बीट द डेड हॉर्स, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही कीजिए। नाउ बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस मतलब क्या होगा, बींग फेस्ड विथ टू डिफिकल्ट चॉइसिस इन डिलेमा, मतलब मैं ये कह दूँ कि उधर समुद्र इधर खाई, उधर समुद्र इधर खाई, समझ रहे हैं आप? तो टू किम कर्तव्य विमूढ़ एक हिंदी वर्ड है, किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब उसका मतलब ही डिलेमा ही होता है, ठीक है? बिल्कुल, मतलब अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो दैट इज़ व्हाट बीइंग फेस्ड विद द टू डिफिकल्ट चॉइसेस इन डिलेमा बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। नाउ ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि ब्रेकिंग डाउन द सोशल स्टिफनेस और ऑकवर्डनेस, और इसको मैं एक और भी मीनिंग होता है इसका, कि ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि सब लोग बैठे हुए हैं और कोई भी नहीं बोल रहा है। मान लीजिए मीटिंग हुआ दोस्तों का और सब लोग आके बैठे हुए हैं एक टेबल पे और नोबडी इज स्पीकिंग, तो जिसने भी बोलना शुरू किया तो दैट विल बी कॉल्ड ब्रेकिंग द आइस, और फिर उसके बाद सब बात करने लग गया, तो दैट विल बी कॉल्ड ब्रेकिंग द आइस। ऑलराइट, जिसे आप नए किसी क्लास में गए हैं और आपका कोई जल्दी से दोस्त नहीं बन रहा है, तो आपने क्या किया कि आपने स्टार्ट ओवर कर दिया, तो यू हैव ब्रोकन द आइस इन दैट केस। तो ब्रेकिंग डाउन द सोशल स्टिफनेस और ऑकवर्डनेस। हाँ, नेक्स्ट वन इज कि बर्स्ट योर बबल। बर्स्ट योर बबल का मतलब है टू रूइन समवन्स हैप्पी मोमेंट और मूड, यूजुअली बाय टेलिंग देम डिसअप्रोप्रिएटिंग न्यूज और इन्फॉर्मेशन एक्ट टू द ड्रॉइंग बोर्ड। सिमिलर टू द फ्रेज अबव, इट्स मीन्स स्टार्टिंग ओवर अगेन फ्रॉम द प्रीवियसली फेल्ड अटेम्प्ट। तो बर्स्ट योर बबल मतलब क्या हुआ कि आपने जो चीज़ स्टार्ट की थी, इनफैक्ट जो चीज़ स्टार्ट की थी
और वो ख़त्म हो गई तो बिल्कुल आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो देख बस्ट योर बबल एंड टू द ड्रॉइंग बोर्ड, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। टू रून समवनस हैप्पी मोमेंट और मूड, ये अप्रोप्रिएट बिल्कुल नहीं है इसका, लेकिन जो चीज़ एक्चुअली आपने जो शुरू किया था पूरे जोश के साथ वो बीच में ही ख़त्म हो गई आपकी, तो मतलब सारा सपना टूट गया और फिर से शुरू करने की ज़रूरत है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड बर्स्ट योर बबल, मतलब टू द ड्राइंग बोर्ड, फिर से जाके शुरू करने की सिचुएशन आना, बर्स्ट योर बबल नाउ, मतलब बेकार कर देना उस चीज़ को। नाउ बैक एंड कॉल, बैक ऑन कॉल मतलब ऑल द सर्विस, बैक ऑन कॉल मीन्स ऑल द सर्विस, getting that? Likewise, government is providing back and call to the armed forces. Government is providing back and call to the armed forces. Now, back and forth. Back and forth मतलब in a backward and forward motion. In a backward and forward motion. Likewise, pendulum देखा होगा आपने, तो pendulum का motion कैसा होता है? Back and forth. Backward, forward, like that. Now, बैक सीट ड्राइवर क्या होता है बताओ? एक बहुत अच्छी लकोकती है, बिना फीस का वकील बनना, बिना फीस का वकील मतलब हमें चाहिए नहीं, ज़बरदस्ती कोई एडवाइस दे रहा है, तो दैट इज़ व्हाट कॉल बैक सीट ड्राइवर, कि मतलब सीट के पीछे से ड्राइवर को कुछ तो मतलब होता नहीं है चलाने का, क्योंकि ड्राइवर जो है वही गाड़ी चलाएगा ना। सो पीपल हु क्रिटिसाइज फ्रॉम साइड लाइंस मस्ट नॉट समवन गिविंग अनवांटेड एडवाइस, तो बिना फीस के वकील होता है ये, जैसे कोई बड़बड़ बोलने वाला होता है बिना मतलब का, दैट इज लाइक अ बैक सीट ड्राइवर। नेक्स्ट वन इज कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर पेज, कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर पेज मतलब कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरली और ऑन अपीयरेंस, जैसे किसी को देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो आदमी कैसा है, वो इंसान कैसा है, जब तक उससे मिलेंगे नहीं, जैसे बात नहीं करेंगे, जब तक उसके हाव भाव व्यवहार, उनकी क्रिएटिविटी और उनके टैलेंट को जानेंगे नहीं, तो यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर पेज। ऑल राइट, सो यू कांट जज समवन बाय जस्ट सेइंग द हिज फेस, इट्स लाइक अ जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर पेज। नाउ कॉट बिटवीन टू स्टूल्स मतलब व्हेन समवन फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, कॉट बिटवीन टू स्टूल्स मतलब आपके पास दो चीज़ें हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप बायोलॉजी और मैथ दोनों के साथ अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है, जैसे कि मैंने किया हुआ था क्लास ट्वेल्थ में, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि वेदर टू चूज इंजीनियरिंग और टू गो फॉर डॉक्टर। ओके, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ हाउ लाइक कॉट बिटवीन टू टूल्स। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, मीन्स द idiom इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, डायमंड ज्वेलरी इज कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। नेक्स्ट वन इज cross that bridge when you come to it, cross that bridge when you come to it मतलब deal with the problem if and when it becomes necessary not before, मतलब उस काम को तभी कीजिए जब आपको वाकई ज़रूरत हो, इसका मतलब यही हुआ। क्योंकि अभी क्लास टेंथ में हैं आप और क्लास इलेवेंथ का सोच रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ का सोच रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट, इफ़ यू आर इन क्लास टेंथ सो स्टडी क्लास टेंथ ओनली, तो दैट इज़ व्हाट कि cross that bridge when you come to it. Now, cry over spilt milk. Cry over spilt मतलब when you complain about loss from past. मतलब अब दूध गिर गया तो उसके बाद चिल्लाने से क्या फ़ायदा, वो अब वापस हो नहीं सकता, उसको वापस निकाल के अब गिलास में रख के दूसरा बार यूज़ कर नहीं सकते, तो दैट इज़ वाई मतलब यूजलेस प्रॉब्लम के ऊपर, जो काम हो गया उसके ऊपर आप फालतू में चिल्ला रहे हैं, व्यर्थ, तो दैट इज़ व्हाट cry over spilt milk. नेक्स्ट वन इज क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट मतलब होता है बींग इन इक्विजिटिव कैन लीड यू इन टू एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, मतलब आपकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप किसी को बिल्ली को मारना नहीं है, तो दैट इज़ वाई आपको अनप्लेजेंट सिचुएशन में नहीं पड़ना, जो उसमें होश गंवाने वाली बात है यहाँ पर कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, बींग इन इक्विजिटिव कैन लीड इन टू अ unpleasant situation. Next is last है, इनफैक्ट है इसका कि कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, when something is done badly to save money, when something is done badly to save money मतलब पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल कट कॉर्नर्स। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ दिस सीरीज ऑफ idioms and phrases, और फिर हम बाकी वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताते रहेंगे।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई वॉन्ट टू से दैट थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको भला करे। एंड बाय बाय।